इकला राशनी की। टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम, थिंक हार्ट थिंक आईबीसी। नमस्कार दोस्तों, आईपीसी की इस नए श्रृंखला में आपका स्वागत है, थिंक हार्ट थिंक आईपीसी। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्टे अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए मिलते हैं चेयरपर्सन आईपीसी डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है ना, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जहाँ, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो सूरज के किरने जैसे, सब में समाए वो नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नई ले आती है, हर इंसान को राही नई दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दिल में तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। हाय डॉक्टर प्रतीक्षा। हेलो। हेलो, एक्चुअली मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। आज का टॉपिक है स्टे अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज। या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। या ऑफ कोर्स। तो आप बताएंगे इसके बारे में। सी, जैसे जो मेरे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इस क्षेत्र की जो मैंने पूरा डेवलपमेंट किया, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत अर्जेंट आई, क्योंकि डॉक्टर्स ही पहले पूछते थे मुझे ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्या है, क्योंकि हमारे देश में सब लोगों को यही पता है कि जब भी हार्ट में दर्द होता है, अटैक आता है, हॉस्पिटलाइज होना है, या तो मरना है या तो बाईपास करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, इसके सिवा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। तो मैंने सोचा कि हमारी जो पूरी मेडिकल सिस्टम है, हम क्यों लोगों को मरने दे रहे हैं, क्यों लोगों को अटैक आने के बाद ये पूरी जो सिस्टम शुरू होती है। तो ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एक्चुअली अब्रॉड में, जैसे US है, UK है, ऐसे सब कंट्रीज़ में वो लोग के पूरी इसमें स्पेशलाइजेशन होती है, और उन्होंने देखा है कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी से 50% हम हार्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने इस क्षेत्र में शुरुआत की, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग, क्योंकि एक बार हम अगर डिजीज़ को समझ ले और उसे प्रिवेंट कर सके, तो डेफिनेटली हम ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन एक कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कि जैसे ये स्टे अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज, यानी पेशेंट होने से पहले ही आप उसे बचा लेते हैं, यानी कोई आम आदमी है उसको पेशेंट बनने ही नहीं देती। पेशेंट क्यों बनना चाहिए? सी, एक्चुअली ये कांसेप्ट है जो आपका, ये आईपीसी का जो फंडा है, ये कांसेप्ट बिल्कुल ऐसा नया कुछ भी नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना कांसेप्ट है। अगर आप ओल्डन हिस्ट्री में भी देखेंगे, तो पहले के उसमें ओल्डन टाइम्स में डॉक्टर्स को पे किया जाता था टू टेक केयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे डोंट फॉल सिक। जैसे हमारे यहाँ आपको एक आर्मी का जवान क्यों चाहिए? थोड़ी वॉर हो रहा है, बट ही इज बीइंग पेड टू डिफेंड द कंट्री सो दैट नोबडी कम्स एंड इन्वेड द कंट्री। तो वैसे ही एक सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ, यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन, वो एक पूरी एक ये जो पूरी स्पेशलिटी है, उसमें डॉक्टर्स का यही फोकस होता है कि जो पब्लिक हेल्थ, मतलब जो आम जनता है, वो कैसे बीमारियों का शिकार न हो। तो पहले हमारा कॉन्सेंट्रेशन हुआ करता था TB, मलेरिया, जो अब आजकल मलेरिया भी जो कि काफ़ी है, लेकिन पोलियो के केसेस कम हो गए हैं, स्मॉल पॉक्स को हम लोग ने निकाल दिया है, तो वो सब डिजीजेस पे कॉन्सेंट्रेशन होता था। लेकिन आजकल इतना सारा मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ करते हैं, इसकी मात्रा बढ़ गई है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की स्थापना की, और हमने अभी तक बहुत उसमें कार्य किया है जो दर्शक जानते ही ऑलरेडी।
दैट्स ग्रेट, और जानकारी प्राप्त करेंगे इसी सब्जेक्ट पर, लेकिन ब्रेक के बाद। ये इनकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट्स देखिए, ये आर्टरीज जगह जगह से ब्लॉक्ड है, ये समझ ली कि 90% ब्लॉकेजेस है, इसी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता और इसी कारण इनका हार्ट अटैक हो। मैं कोई बाईपास सर्जरी नहीं करवाऊंगा। मेरे पास भैया के लिए एक इलाज है, डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है अदा, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जान। नमस्कार, आज स्टूडियो में हमारे साथ है श्रीमती आशा जोशी। प्लीज वेलकम आशा जी। नमस्कार आशा जी, हमें पता चला कि आप एक म्यूजिक टीचर रह चुकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, संगीत विशारद भी है। आईपीसी और आपका संबंध कैसे जुड़ा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जरूर, 2006 साल में मेरे को हीमोग्लोबिन कम होने के बाद हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और जो एंजियोग्राफी किया उसमें बताया 3-4 ब्लॉक है, तो आपको अर्जेंट बाईपास या एंजियोप्लास्टिक सर्जरी, दोनों में से कुछ भी एक करना चाहिए। तो मेरे बच्चे बहुत डर गए सब, तो मैं बोला डरने की कुछ बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता है, मैंने डॉक्टर प्रतीक्षा जी का नाम सुना है, हम लोग उसके पास जाएगा तो अपना प्रॉब्लम छूट जाएगा, इसलिए डॉक्टर प्रतीक्षा के पास मैं जुलाई अगस्त मंथ में 2006 साल में गई थी। उसके बाद आपका इलाज? हाँ, तो मेरा सब रिपोर्ट देख के डॉक्टर प्रतीक्षा ने बताया, मेरा जो ट्रीटमेंट है जो 20 इंजेक्शन्स है वो लेने का, उसके बाद आप अच्छी हो जाएगी, और वो ट्रीटमेंट मैंने 2.5 महीने लिया, तो मैं पहले से भी बहुत अच्छी हो गई, कुछ तकलीफ नहीं। अभी 4 साल हो गए, मैं किसी डॉक्टर के पास उसके बाद गई भी नहीं, जो डॉक्टर प्रतीक्षा ने मेरे को टैबलेट दवा दिया है वो हर रोज हर टाइम में मैं लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कि किसी को भी हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम छोटा बड़ा होएगा तो डॉक्टर प्रतीक्षा जी के पास पहला जाने का, वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देती है। जरूर, थैंक यू। नमस्कार, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली रखकर अपने हाथ करवा दाया दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ करवा दाया दिल के साथ, दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तुले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। वेलकम बैक। वैसे ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि कुछ स्टेप्स प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? हाँ, कार्डियोलॉजी में क्या प्रिवेंशन है, लेकिन प्रिवेंशन के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन।
प्राइमरी प्रिवेंशन में हम जो लोग को बीमारी नहीं हुई है उनको डील करते, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या यंग यू नो जो लोग स्कूल कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, तो इनमें भी लाइफस्टाइल करेक्शन होना जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चे पढ़ाई कम यू नो खेलकूद कम करके टीवी ज़्यादा देखते हैं या वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। इसके लिए आपको ताज्जुब होगा कि यू नो 18 साल के बच्चे की भी बाईपास हुई है, हमारे पास 22 साल के बच्चे बाईपास किए हुए हैं। तो आजकल बहुत यंग लोगों में भी बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल यू नो वी आर ईटिंग ऑल दिस पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स एंड हाई फैट रिफाइंड फूड, यू नो फूड हैबिट्स के बारे में हम अलग से बोलने वाले। तो ये जो सब करेक्शन अगर नहीं होगा तो नेचुरली वो लोग जाके यू नो पेशेंट्स बनने वाले हैं। जैसे सभी दर्शकों ने टाइटैनिक की पिक्चर शायद देखी होगी जो बहुत मशहूर है, उसमें जो आइसबर्ग है, जैसे आइसबर्ग मतलब जो बर्फ़ का पहाड़, तो बर्फ़ की पहाड़ की चोटी सिर्फ हमें दिखती है लेकिन नीचे कितना बड़ा पहाड़ है वो हमें दिखता नहीं है। तो वैसे ही हमें जो हार्ट के पेशेंट्स दिखते हैं वो आइसबर्ग की टिप के जैसे है, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग हैं जो गलत आदतों के शिकार है जो आगे जाके हार्ट पेशेंट बनने वाले हैं। तो ये जो ग्रुप हो जाता है वो है सेकेंडरी ग्रुप, मतलब जो लोग हार्ट पेशेंट नहीं है लेकिन हार्ट पेशेंट होने का कॉकटेल उनके पास है। तो ये कॉकटेल क्या है? उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या स्ट्रेस, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पेट की चर्बी, यू नो आजकल हम लोग जो करते हैं वेस्ट हिप रेशियो, यू नो जो अपने पेट के और कमर का जो रेशियो है वो लेस देन 0.85 होना चाहिए। तो ये जो सब रिस्क फैक्टर्स है अगर उसको कंट्रोल किया जाए तो भी हम हार्ट पेशेंट होने से बचा सकते हैं। और तीसरा ग्रुप वो है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन यानी कि एक बार हार्ट का मरीज बन जाता है तो उसके बाद उसको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम अपने पेशेंट्स के थ्रू हम बता ही रहे हैं। उसमें अगर जैसे मैंने बताया कि 10% लोगों में सीरियस बीमारी अगर है तो उनको हम ऑपरेशन कह देते हैं, लेकिन 90% लोगों को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया टर्शियरी ग्रुप। यू नो मुझे दर्शकों से ये कहना है कि एक्चुअली मैंने शुरुआत इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की है और हमारा जो मेन मिशन रहा हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि वो हार्ट डिजीज़ से बचे और हार्ट अटैक से बचे। लेकिन कामयाबी जब भी हासिल हुई जब भी हम लोग ने हार्ट पेशेंट्स जिनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी कहा था या 90-100% ब्लॉकेज केस कहे गए थे, तो ऐसे सब पेशेंट्स को जब भी हम लोग ने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी कि सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज, योगा से ठीक किया, तब जाके लोगों को लगा कि नहीं इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ बात है। नहीं तो पहले लोगों को यही फहमी थी, मतलब ऐसा गलत है भी कि भाई ऑपरेशन से ही हार्ट पेशेंट ठीक हो सकता है। उन लोग को लगता होगा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, सर योगा से थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। सो इट लाइक यू नो एक परसेप्शन होता है कि एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में हो सकता है। डिजीज भी होती है तो भाई लोग जो भी डिसीजन है ना आइदर फियर से लेते हैं या किसी ने बोल दिया तो ये करना है, कुछ भी बैठते हैं सोचते नहीं है कुछ भी। जैसे अपन कोई भी चीज़ का कैसे लाइफ में प्लानिंग करते हैं, अगर घर लेना है कुछ अपन जाके उसकी रिसर्च करते हैं या कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसका प्लानिंग करते हैं। तो अगर हमें कोई भी बीमारी भी आती है तो उसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली टुडे इन मॉडर्न कमर्शियल टाइम्स, क्योंकि आज का वर्ल्ड इतना ही कमर्शियल हो गया है कि आज साइंस हैज़ टेकन ओवर कॉमर्स, यू नो। तो आजकल क्या है कि पेशेंट को अवेयर रहना, पेशेंट हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट, पेशेंट हैज़ टू टेक ओपिनियंस, पेशेंट हैज़ टू नो अबाउट द डिजीज़ सो दैट यू नो दे कैन टेक द राइट डिसीजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि गलत डिसीजन ले लिया एंड दे फॉल इनटू अ बिग प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स के इमोशंस का अत्याचार, जैसा अपन बोलते हैं ना इमोशनल अत्याचार, तो अगर एक पेशेंट हार्ट की डिजीज से डर रहा है तो एक है या तो वो डरा के या कुछ भी करके ऑपरेशन कर लेता है, अगर उसको ऑपरेशन नहीं करना है वो इमोशन है, तो वो इमोशन में भी आजकल बहुत सारे विज्ञापन भी आते हैं कि हम ब्लॉकेजेस को निकाल देंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे ठीक कर देंगे, ये गोली खा लो। तो उस पर क्या होता है कि पेशेंट बहुत गुमराह हो जाता है। तो IPC हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहाँ हम पेशेंट को, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो पेशेंट हमारे साथ ट्रीटमेंट करता है या नहीं करता है, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट हमारे पास कंसल्टिंग के लिए आता है तब हम उसे सही गाइडेंस दें, हम उसे सही नॉलेज दें, हम उसके लिए क्या ज़रूरी है वो करें, हमारे बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है वो नहीं करना है हमें।
पेशेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। ये कोई भी जो आजकल जो पेशेंट है उन्हें ये स्मार्टनेस अभी समझनी चाहिए कि कौन डॉक्टर उनके लिए काम कर रहा है और कौन डॉक्टर उनके खिलाफ काम कर रहा है। बिकॉज मैं पहले ऐसी बातें नहीं करती थी, लेकिन आजकल जो मैं पेशेंट्स के, आज मैंने ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का कंसल्टिंग किया हुआ है और ऑलमोस्ट हम लोग ने 5,000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट दी हुई है। उसमें से हर एक पेशेंट ने जो मुझे आके कहानियाँ बताई है, जिसका मेरे पास रिटर्न एविडेंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ ये सब। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइक स्टे अवे, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कोई पर्टिकुलर थिंग्स लाइक हाउ टू कंट्रोल, यानी जैसे आपने सी आई विल गिव यू वेरी सिंपल 10 स्टेप्स। यू नो जैसे अभी वर्ल्ड हार्ट डे भी रिसेंटली हुआ था, तो ये साल का जो थीम है लाइक यू नो आई वर्क विद माय हार्ट, यू नो। तो क्या है कि हम लोग जनरली एक कॉमन मैन की स्टोरी है ये कि वो जिंदगी भर काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान आजकल मोबाइल, फिर जैसे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ा करना उनकी शादी करना, और फिर जब भी वो सब पैसे जमा करता है यू नो कि भाई अभी मैं टूर में जाऊंगा, मैं रिलैक्स करूंगा, और उसको मिलता है बोनस में एक हार्ट प्रॉब्लम जो उसकी पूरी जमा की हुई पूंजी को मिटा देता है। वैसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे। तो मुझे दर्शकों से यही कहना है कि अगर हम सोचें कि जब भी हम लड़की पैदा होती है पहले से ही हम लोग सोना जमा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब भी उसकी 22 साल पे शादी होगी तो हम लोग को 10 तोला तो कम से कम होता ही है, कभी कोई लोग 20 30 जो भी अपनी क्षमता है तो सोना जमा करते हैं। बेटा है तो उसको पढ़ाने के लिए यू नो आजकल जो प्लान्स अवेलेबल मार्केट में वो ले लेते हैं। तो वैसे हम लोग हर एक चीज़ में इंश्योरेंस लेते हैं या कुछ पेंशन के प्लान्स लेते हैं, लेकिन हम क्या प्लानिंग करते हैं कि जब भी मैं रिटायर होगा तभी मैं नॉर्मल होगा और मैं डिजीज फ्री होगा। वहाँ तक के 60 साल की उम्र तक भी सोचते नहीं है, जब तक प्रॉब्लम नहीं होता है तब तक हम सोचते नहीं है कि मेरे अंदर भी एक बीमारी हो सकती है। इन शॉर्ट वी आर टेकिंग अवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, वी आर टेकिंग अवर हार्ट फॉर ग्रांटेड, एंड वेन यू आर टेकिंग योर हार्ट फॉर ग्रांटेड योर हार्ट हैज़ टू अटैक यू एनी टाइम। और फिर हम बोलते हैं कि अरे मुझे हार्ट अटैक आया, क्यों आया, यू नो लाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने शरीर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारा शरीर भी एक मशीन है, एक स्कूटर लेते हैं सादा, उसका भी 3-3 महीने पे सर्विसिंग करते हैं, ठीक है, उसको एनुअल चेकअप करवाते हैं मैकेनिक के पास जाके। अपने हेल्थ चेकअप के लिए क्या टाइम नहीं है, या कभी कभी कोई लोगों के पास पैसे नहीं है। दिवाली की साड़ी में 2,500 लेने के लिए साड़ी के लिए रहते हैं, लेकिन 2,500 हेल्थ चेकअप के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये शरीर है ना, क्यों हुआ है पता है क्या, उसके अपने माँ की खोक से ऐसे ही फ्री में पैदा हुए हैं ना, कोई टैक्स नहीं भरा, इनकम टैक्स नहीं भरा, ऑक्ट्रॉय नहीं भरा है, उसको कुछ हुआ नहीं, फ्री में मिला है। और मुझे लगता है जो भी चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो नहीं, लेकिन ऐसा ये एटीट्यूड बहुत गलत है। ये शरीर एक अनमोल देन है, हमारी आत्मा का ये टेम्पल है, तो इसकी भी पूजा उतनी ही होनी चाहिए। सिर्फ एक फिजिकल टेम्पल में पूजा करना काफ़ी नहीं है, हमारी हमारे शरीर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको सही वक्त पे खाना देना, उसको एक्सरसाइज करवाना, उसको सही टाइम से सोना। मतलब आप कितने भी अमीर हो गए, आप भले कितने भी नौकर चाकर रखे, गाड़ियाँ रखे, कुछ भी करे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक नौकर रख दे और बोले कि चलो भाई तू 3,000 थनका ले और मेरे लिए रोज़ सुबह भागने जा। तो जैसे मतलब ना हम खुद मरेंगे तभी खुद स्वर्ग देखेंगे, तो वैसे ही हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सब हम करेंगे तो हार्ट डिजीज से ही नहीं लेकिन सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। यस, स्टे अवे फ्रॉम हार्ट डिजीज। एप्टाइटली यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थिंक हार्ट, थिंक आईपीसी। दिल से जलाए एक लौ रोशनी की टूट।